Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. किसी के शरीर से तपस्या आसानी से हो जाती है, किसी के शरीर से तपस्या आसानी से नहीं होती, तो वो बैठ के जाप करता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? किसी को चावल सूट करता है, किसी को बाजरा। श्रेष्ठ है पेट भरना, चावल से भरो, बाजरे से भरो। ओके, अब बात यह है कि तपस्या नहीं होती है लेकिन जाप करता कोई फर्क नहीं पड़ता। जाप करते करते भी आपकी भीतर की भावना पवित्र निर्मल शुद्ध हुई, आपके कषायों की ग्रंथियां समाप्त हुई, भय समाप्त हुआ। क्योंकि अक्सर तो जाप लोग डर के मारे करते हैं या लालच के मारे करते हैं। वो जिनकी भी दुकानें नहीं चलती वो मारा साहब के पास जाके बोलते हैं, मारा साहब जरा कोई मंत्र वंत्र दे दो तो दो चार मालाएं कर लूंगा तो ये दुकान चलने लग जाएगी। अभी हमारे बहुत सारे जैन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की भी ये दशा है, क्या कर सकते हैं? तो लालच बन करके, लालची बन करके जाप कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। और लालची और डरपोक बन के तपस्या कर रहे हो तब भी कुछ नहीं होगा। और ज्ञान सहित तप हो या ज्ञान सहित भाव सहित जाप हो, ध्यान हो, तो आपकी अपनी निर्जरा कर्मों की हो जाएगी। बाकी ये कंपेयर करना कि कौन श्रेष्ठ है कौन कम श्रेष्ठ है, ये कभी नहीं होता। क्योंकि दो व्यक्ति एक सरीखे नहीं, दोनों की साधना के पथ एक सरीखे नहीं और दोनों की मुक्ति के मार्ग एक सरीखे नहीं है। इसलिए कहीं किसी को तुलना में मत डालो। जय हो।